मेरा नाम शहजाद गुल है और मैं फोकल पर्सन हूँ कामयाब जवान स्टार्टअप पाकिस्तान प्रोग्राम का। इसके अलावा मेरे पास और भी काफ़ी जिम्मेदारियां हैं गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, डिफरेंट इनिशिएटिव्स को जो है वो गवर्नमेंट के लेवल पे जो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स हैं उनके ऊपर और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। सो लेकिन मेरा फोकस आज की गुफ्तगू का आपके साथ यही है कि मैं सबसे पहले ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ द कामयाब जवान प्रोग्राम एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कामयाब जवान स्टार्टअप पाकिस्तान प्रोग्राम, मैं आइडियाजिस्ट को और आप तमाम सुनने वालों को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि पहली दफ़ा एक आप लोगों ने एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा वर्चुअल प्रोग्राम शुरू किया जो कि हर जैसे हम चाह रहे थे कि हम इसको एक एक यूनिवर्सिटी तक, एक एक पाकिस्तानी तक, एक एक नीडी तक पहुंचा दें थ्रू अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म। सो आपने इसको अकम्पलिश किया और मैं कोहोर्ट 1 के और कोहोर्ट 2 के ग्रेजुएट होने वाले तकरीबन 2700 के करीब जो हमारे स्टूडेंट हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप जो हमारा एक विजन था कि हम आपको बजाय नौकरी करने के नौकरी देने वाला बनाएं, उसकी तरफ एटलीस्ट आप लोगों का इंटरेस्ट और आप लोग आज यहाँ पे आ गए हैं कि आप ग्रेजुएट करके अगले स्टेप पे आ चुके हैं। अब आपके लिए हम उम्मीद करते हैं कि आपका विजन भी खुल चुका होगा, आपको क्लैरिटी भी आ चुकी होगी कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं। सिर्फ आप नौकरी नहीं कर सकते, आप नौकरी देने वाले कैसे बन सकते हैं, कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं, फाइनेंसेस कहाँ से आपको आ सकती हैं, आप कैसे कारोबार करेंगे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक थ्रू जो हमारी एक इनिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है वहाँ से आ चुकी होगी। सेकेंडली जो इम्पॉर्टेंट बात मैं वो ये भी कहना चाहूँगा कि अब आप लोगों ने जितना अभी तक तो आप एक स्टडी फेज से निकल के एक अंडरस्टैंडिंग से आगे आ चुके हैं, अब ये आप लोगों पर मुनसर है कि आप आगे कैसे जाएंगे। अब आइडिएशन के फेज़ में अपने प्रोजेक्ट्स या आपके जहन में जो आइडियाज़ हैं उस आइडियाज़ को लिस्ट करके उस आइडिया को कैसे आप एक एज ए प्रोजेक्ट और एज ए सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं, दिस इज़ नाउ अप टू यू। और जितना आपका इंटरेस्ट होगा इतना ही ये चीज़ों को आगे लेके चलेंगे, अपने लिए, इस कौम के लिए, मुल्क के लिए। मैं आपको इनक्रेज करूंगा कि आप मैक्सिमम एफर्ट इसमें डालें और हम आपको डिफरेंट सोर्सेज से जो फंडिंग स्ट्रीम्स हैं वो कई आपके प्रोग्राम्स के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन आ चुकी होगी वो अवेलेबल हैं। जितना आप इंटरेस्ट शो करेंगे इतना गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको रिस्पॉन्स उस हिसाब से आता जाएगा। मोर इम्पॉर्टेंटली फॉर इकोसिस्टम मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि पूरे इकोसिस्टम के अंदर 700 से 800 की कैपेसिटी नहीं है ट्रेनिंग की, एंड विद इन द 6 मंथ्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज इवन नॉट स्पेंडिंग अ पेनी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड 2700 लोगों का ग्रेजुएट होना और ये हजारों लोगों का इसके ऊपर आके तरबियत लेना, ये एक मैं समझ रहा हूँ रेवोल्यूशन है। और इसको गवर्नमेंट को भी हम जो रिसोर्सेज हैं उनको भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और जो आम लोग हैं उनको भी ये कह रहे हैं कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म की तरफ आए, आइडियाजस्ट का जिस तरह इनिशिएटिव है इसकी तरफ आए और दैट विल बी द अल्टीमेट इंशाल्लाह फ्यूचर बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। अब लोगों को और अंदाजा हो गया होगा कि दिस इज द फ्यूचर। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई एम अवेलेबल ऑन माई फोन, ट्विटर, ये सारी चीज़ें जितनी भी आइडियाजस्ट की टीम है ये आपसे कोऑर्डिनेट कर रही होगी। आपको कभी मेरी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द मैनेजमेंट, सोशल मीडिया टीम, जितने भी लोग स्पेशली हसन सैयद साहब और उनकी टीम जितनी भी है सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।